हम 22 अगस्त को जो धरना देंगे उस धरने के बाद हम अक्टूबर महीने में विधानसभा का घेराव करते हुए हम देश को आंदोलन प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर बैठा है, जिन्हें देश का भविष्य तैयार करना है, वो आज रोड पे बैठ के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे बहुत तमाम सर है, आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं तमाम सर जो है यहाँ पे मौजूद होकर शिक्षक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर इस तरह लड़ाई लड़ते रहे तो बताइए कि देश के बच्चों का भविष्य कैसे तैयार होगा। क्या नाम है आपका? जीत नारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा। सर ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है, पहले तो ये कि जो सरकार ने अप्रैल 2019 में समझौता किया था कि हम इस चीज़ को लागू करेंगे, इस प्रदेश के अंदर जो हमारे 7 वर्षों के विद्यालय विद्यालय है उनकी 7 वर्षों को समाप्त करके उनकी सेवा दशा बनाएंगे और प्रत्येक शिक्षक को RTGS प्रणाली से 15,000 देंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम आपको चिकित्सीय सुविधा देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम जो भी तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से मैं सबको अस्थाई करूंगा और किसी सुविधा देने के साथ अन्य मांगों को पूरा करूंगा, लेकिन पूरा नहीं। सर बताइए कि 2019 से जब आपकी मांगे नहीं पूरा हुआ, आज आप 2022 तक आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे नहीं पूरी की जा रही है, तो क्या गारंटी आपकी मांगे इतनी जल्दी पूरी की जाएगी? नहीं, गारंटी हमारे पास है 78 और 68 के आंदोलन और 2004 के आंदोलन के अंतर्गत कि हम अपने आंदोलन, जेल भरो आंदोलन जो सरकार अभी हमने शुरू किया कोरोना काल के बाद, अगर नहीं मानती है तो हम 22 अगस्त को जो धरना देंगे उस धरने के बाद हम अक्टूबर महीने में विधानसभा का घेराव करते हुए हम जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जेल भरो आंदोलन से हमने 67 में वेतन वितरण अधिनियम पाया, 1978 में पेंशन पाया और उसी के साथ साथ आयोग का निर्माण हुआ और 2002 के आंदोलन के कारण हमें केंद्रीय वेतन मान मिला और माध्यमिक शिक्षा के परिवर्तन का अगर कहीं धुरी है तो हो गरीब या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान, ये पूरी देश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षा होता है और देश के अंदर ऐसी शिक्षा नहीं है, हम उसके उसको भी सभी गरीब के बच्चों को संरक्षित देने का प्रयास। सर पुरानी पेंशन आप बहाल करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या नई पेंशन योजना थी गलत है क्या? नई पेंशन योजना हम आपको 3 शब्दों में बताते हैं, NPS नॉट पेएबल, N मतलब नॉट, P माने पेएबल और S माने स्की। दूसरा उसका अर्थ है N माने नॉट, A माने एप्लीकेबल, S माने स्की। तो सर ये जो न तो पेएबल है, समझ लीजिए पहले, न तो पेएबल है और न तो ये विश्वसनीय है, क्योंकि इससे सरकार का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। और आपने देखा है अभी आपको पेपर में निकला हुआ निकला कि हमारे PWD के और हमारे विद्युत कर्मचारियों के पैसे किसी डायरेक्टर ने जो लगाया था वह 32,000 करोड़ रुपया GPF का सरकार खोज नहीं पा रही है, सरकार को बजट से अपने देने की जरूरत है। तो यह जो निवेशित योजना है, यह निवेशित योजना कभी भी पैसे का संरक्षण नहीं कर सकती, वो अपने लाभ के कारण इस योजना को चलवा रही है, सरकार भ्रम के कारण दे रही है। हम 14% देना चाहते हैं, 10% देते हैं, वो 10% के अलावा हमें लालच देकर 14% दे रही है और ये 2400% चला जा रहा है निवेशित योजना में, जो न तो सरकार को लौट के आने वाला है। अभी देखिए इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूँ, यहाँ पे पूर्व शिक्षा विधायक व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनार सिंह ने कहा है कि सरकार की नीति जो है कि पेंशन योजना को लेकर सही नहीं है। अब फिलहाल हम अगर पेंशन योजना नहीं लागू किया जाता है तो हम अपने तरह से जितना स्तर से हो सकेगा उतना धरना प्रदर्शन करेंगे। 1922 से 1944 तक झेलते हुए बाकी कथा होगा, इसलिए मैं थोड़ा साफ स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि सब खत्म है 5 वर्ष। तो 1942 में जैसे संख्या में उसे आज भी बहुत सारे संघ हम भी कोशिश कर रहे हैं, केंद्रीय समिति बना दी और अपने आप बिना सेवा दशे वित्तहीन करता कि मानदेवा दिलारो साहब सरकार कहे नहीं दे रही, ये नहीं मान ले। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है, मेरा सौभाग्य रहा कि आपके पढ़ाए हुए हम और आपका पत्र लेने का मुझे इस पर मौका दिया। आपकी जो भी मांग पत्र है जैसा कि मुझे निर्देश मिला है
इसे उचित कदम पहुंचाना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा सचिव इन लोगों तक मैं पत्र पत्रक पहुंचाऊंगा, जो भी हमारा प्रक्रिया पहुंचाने का। और जहां तक जिला बदल निशेष के संबंध में आपने जो पत्र दिया है कि समस्याओं का निराकरण कराया जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जिला प्रशासन के माध्यम से कि आपकी समस्याओं का समुचित समाधान जैसा संभव हो जाए। धन्यवाद।